इंडिया आइकन अवार्ड कार्यक्रम में आप अंतिम आप सभी सम्माननीय सदस्यों का अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ मौजूद हैं श्री रवि जेटली जो सीनियर सब द्वारका के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए आज उनसे जानते हैं कि ये मीडिया आइकॉन अवार्ड्स का आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था। रवि जी ज़रा बताएंगे कि ये मीडिया आइकॉन अवार्ड्स किस लिए आज आयोजित किया गया? ये एक्चुअली ओवरड्यू था। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है हम यही देख रहे थे, हमारे जैसे सारे सीनियर सिटीजन घर में बैठे हुए ये सोच रहे थे कि हम क्या करें कैसे करें, टोटली डार्क में थे और टीवी देखते थे, वहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ आते थे, बड़े कन्फ्लिक्टिंग आती थी। तो बट द्वारका के मीडिया ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, लोकल लेवल पे लाके सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने हमको बताया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम घर बैठे बैठे उसको देख के करते रहे। नॉट ओनली दैट, बहुत से ऐसे मीडिया प्रेमी हैं, मीडिया टीम के लोग थे जहाँ पे, जिन्होंने फिज़िकली बाहर जाके हम बुज़ुर्गों के घर में मेडिसिन दिया, हम बुज़ुर्गों को खाना दिया, हमको गाइड किया कि कहाँ पे खाना बनता है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी हाउस वाज अफेक्टेड। तो ये हमारे दिमाग में आ रहा था, काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहे थे हम, लास्ट ऑलमोस्ट दिसंबर में हमने डिसाइड किया था आफ्टर द सेकंड वेव कि हम इसको करेंगे कुछ। जैसे हमने डेट फाइनल किया तो कुछ और आ गया, प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट होता गया। दिस इज़ ओवर ड्यू एंड वी वॉन्टेड टू गिव आर ब्लेसिंग्स टू द मीडिया टीम, those who are operating from Dwarka and working for Dwarkas, especially for senior citizens. धन्यवाद रवि जी। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ श्री आर के जैन जो सीनियर हब द्वारका के प्रेसिडेंट हैं, आज उनसे जानते हैं कि मीडिया आइकॉन अवार्ड का आयोजन क्यों किया गया। जैन साहब, एक बहुत ही सफल आयोजन रहा यहाँ देखने को मिला। शुक्रिया आपका रॉबिन साहब। बहुत जो आपके सीनियर हब के मेंबर थे, पहले कुर्सियाँ कम थी, बाद में आपको कुर्सियाँ ज़्यादा लगानी पड़ी, ये कैसा लगा आपको? ये हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा था कि हमने एक्सपेक्ट किया था तकरीबन 60 लोग, लेकिन हमने बाद में देखा कि बहुत लोग आ गए थे, हमने 10-15-20 कुर्सियाँ और मंगाई और तकरीबन 70-80 लोग यहाँ पे आए थे इसके आयोजन में। तो हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे मेंबर सब आए, जिस जिसको भी हमने बुलाया सबके सब आए। हमारे तकरीबन जो मेंबर हैं तकरीबन 80 के करीब हैं जो हमारे रेगुलर मेंबर हैं, जो पेड मेंबर्स हैं, दे आर इन्वाइटेड एंड दे हैव ऑल कम। मीडिया आइकॉन अवार्ड, ये आयोजन क्यों? मीडिया आइकॉन, जैसे मैंने अपने उसमें भी कहा था, संबोधन में भी कहा था कि मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्थ स्टेट कहते हैं इसको, और सब लोग एक दूसरे को सम्मानित करते हैं, एनजीओ को सम्मानित करते हैं, इनको सम्मानित करते हैं, लेकिन जो मीडिया है इसको मेरे ख्याल से द्वारका में हमने पहली बार सम्मानित किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक तो सारी खबरें पहुंचाते हैं हमारे तक, इसके बाद कैसी भी परिस्थिति में पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये लोग कैसी भी स्थिति हो मगर न्यूज़ पूरी की पूरी देते हैं, कहाँ क्या हुआ, कहाँ पे कितना ज़रूरत है, कहाँ पे कितने सिलेंडर अवेलेबल हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल में कितनी ज़रूरत है, हॉस्पिटल में कहाँ बेड खाली हैं, ये आप ही लोग दे देते हैं, वरना तो हमें पता ही नहीं लगता कि स्थिति क्या है और कहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ गड़बड़ कर रहा है, कहाँ पे ओवरचार्ज कर रहा है और क्या कर रहा है। आपने तो कमाल कर रखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप सीनियर्स का हमेशा सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मीडिया आइकॉन अवार्ड का यहाँ पे आयोजन किया गया पैसिफिक D21 मॉल में, जो द्वारका का सबसे प्रतिष्ठित मॉल है, और इसमें संजीवनी आयुर्वेद और जयपुरिया ग्रुप के सहयोग से अवार्ड का आयोजन किया गया था। ये असल में ये जो आयोजन है सीनियर सब द्वारका ने किया था कि जो मीडिया के लोग द्वारका में द्वारका वासियों के लिए रात दिन अब काम करते रहते हैं, तो उनको सम्मान में ये आयोजन किया गया, और इसके लिए हम लोग सीनियर सब द्वारका का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।